गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट करा था डेटर के ऊपर। आज डेफिनेटली हम सारे एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने देखो, उसी को कंटिन्यू करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग डिसऑनर्ड और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग और डिसऑनर्ड का क्या इम्पैक्ट होता है वो समझेंगे, और बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है वो समझेंगे, ठीक है ना? क्योंकि पहले बेसिक बेस समझना बहुत जरूरी है। मैं पहले समझाने जा रहा हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बताइए? BR के नाम से जानते हैं। मेरा समझाने का मेन पर्पस है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है ये जानना है। मान लो एक्स ने क्या करा, गुड्स सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड किए किसको? वाई को, ₹10,000। क्लियर? अब जब एक्स ने वाई को गुड सोल्ड किया ₹10,000, तो इसका मतलब एक्स वाई को एक नाम क्रिएट करके दे देता है जिसको बोला जाता है डेटर। हाँ के नहीं बताओ? सिंपल, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेगा? डेटर। तो डेटर जो है वो बैलेंस शीट में कहाँ नजर आएगा? मान लेते हैं 10,000 का, तो 10,000 देखो बैलेंस शीट में यहां नजर आएगा डेटर। क्लियर? लेकिन वाई जो है बदले में श्योरिटी दे देता है, गारंटी, मतलब कि कुछ ना कुछ पेपर पे लिख के दे देता है। वाई कहता है कि भाई 10,000 तो मैं दूंगा, लेकिन मैं इसमें से ₹2,000 तो आपको 2 महीने बाद दे दूंगा। एक्स कहता है कि भाई आप इसमें से ₹2,000 अगर 2 महीने बाद दे दोगे तो लिख दो इसको। तो वाई ने क्या करा, प्रॉमिस करा कि आई प्रॉमिस टू पे ₹2,000 आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ। तो बच्चे ये जो है ये क्या है हमारा, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब मैंने जो डेटर लिखा है 10,000, ये गलत हो गया। इससे पहले जो 10,000 डेटर लिखा था ये ठीक है। तो सर इसमें गलती क्या है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? इसका मतलब क्योंकि ₹2,000 का गारंटी दे दिया गया, तो हमें जो डेटर लिखना चाहिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए। डेटर लिखना चाहिए हमें पूरे 8,000, और एक और नाम क्रिएट हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज यानी BR 2,000। जो सही लिखने का तरीका अब जो होगा ये होगा। तो पहले आप समझो कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक डेटर में से ही निकलता है। जब किसी को कोई उधार देते हैं तो वो बोल देता है कि मैं पैसे इतने महीने बाद दूंगा, और इस टाइप का कुछ पेपर पे लिख के दे देते, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है? अब मैं एक्स की बात करता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स ने सोल्ड किया था ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी BR किसके पास है? एक्स के पास। तो एक्स के पास पावर है और राइट भी है कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज का जो 2 महीने बाद पैसा मिलना है उसे 1 महीने बाद भी पैसे ले सकता है। तो आप बोलोगे सर जब 2 महीने के लिए वाई ने कहा ही है, जब वाई कह रहा है 2 महीने के लिए, तो वाई 1 महीने बाद क्यों देगा? ऐसे अवस्था में, ऐसे सिचुएशन में एक्स जो है वो वाई से नहीं मांगेगा, एक्स चले जाएगा बैंकर के पास, और बैंकर से जाके इस बिल को जो 2,000 है इसके बदले ₹1,900 लेने को तैयार हो जाएगा। जब बैंकर के पास जाएगा और ये ₹1,900 लेगा बैंकर से, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कि बिल को डिस्काउंट कराना। तो जब कभी भी हमें कोई पैसा मिलना था कब, और उस समय से पहले ही हमने पैसे ले लिया, तो उसको बोला जाता है बिल को डिस्काउंट कराना। तो यहाँ पे देखो बिल का डिस्काउंट हो गया। अगर मैं बिल का डिस्काउंट करा लूं
तो मेरा एक तरीके से देखा जाए तो ये बीआर तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि बिल का डिस्काउंट कराने का मतलब है कि ये पैसा बीआर का बैंक के पास चला गया। नाउ मेरे पास एक नई एंट्री क्रिएट हो जाएगा, मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा कितने से, मेरा 1900 का करवाया तो 1900 रुपये, और जो 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया वो पीएनएल के डेबिट में चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन होना चाहिए अगर बिल को डिस्काउंट कराते हैं। यहां तक समझ में आए? फिर से स्टोरी देखो, अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो डेटर होता है, वो डेटर अगर पेपर पे कोई पार्ट लिख के दे देता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा समय से पहले अगर बैंक से ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराना। ठीक है ना? इतना समझ में आया आपको? अब हुआ क्या, मैंने एक एडजस्टमेंट लिखा है। एडजस्टमेंट में मैंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग डिसऑनर्ड। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा कि सर ये डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है। तो मेरा आंसर है, डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि इस पार्टी ने, क्योंकि अल्टीमेटली 2 महीने बाद इसको पैसे देने थे, वाई देता, अब वाई किसको देता, एक्स को, बट हुआ क्या, बी आर बैंकर के पास है तो वाई किसको देगा, जाके बैंकर को। ठीक है ना? अब बिल डिसऑनर्ड हुआ तो वाई ने जो प्रॉमिस किया था ये बी आर प्रोमिसरी नोट क्या हो गया, खराब हो गया पूरे तरीके से। तो डिसऑनर्ड का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था वो अपने प्रॉमिस को देने से फेल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड होगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मेरे बैंक पे फर्क पड़ेगा। बैंक वाले क्या करेंगे, फटाफट मेरा बैंक को माइनस कर देंगे, है कि नहीं? तो मेरे बैंक पे फर्क पड़ेगा और मेरा बैंक क्या हो जाएगा, इंस्टेंट जो बैलेंस आया था वो 0 हो जाएगा। बोलिए है कि नहीं? वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। साथ के साथ अब मैं बोलूंगा भाई ये बीआर तो तुमने दिया नहीं, अगेन तुम मेरे डेटर बन गए, कितने के, 10,000 रुपए के, और मेरा डेटर क्या कितने का हो जाएगा, यहाँ पे पूरे 10,000 रुपए का डेटर बन जाएगा। समझने का कोशिश करना आप, क्या मेरा नुकसान है कोई, नहीं, बैंक कम हुआ। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में क्वेरी आ सकती है कि सर ये 100 रुपए का तो नुकसान हो गया है हमें। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बी आर जितने का बोला जाए क्वेश्चन में एग्जामिनर, डिस्काउंट हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है कि उतने का मेरा बैंक कम होगा और उतने से मेरा डेटर बढ़ेगा। ये यहाँ पे रिलेशन है। मैंने हालांकि 1900 लिखा था, लेकिन 19, क्योंकि बैंक इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल नहीं है तो हम मानेंगे बैंक से डिस्काउंट तो हुआ था, लेकिन पैसे मिलके फिर वो एडजस्टमेंट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यानी ये दोनों एंट्री मेरा क्या हो गया, पूरे तरीके से बिल्कुल व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, है कि नहीं? अगेन डेटर बन गया। तो इससे ना ही हमारा कोई फायदा होता है और ना ही हमारा कोई नुकसान होता है। तो जब कभी ऐसी एंट्री देखने को मिले कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग डिसऑनर्ड जैन, मैंने रुपीज लिख दिया 2000, जैन में हो गया रुपीज 2000 का, अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री सबसे पहले तो बैंक पे इम्पेक्ट करेगा। ये हमारे पास पहले से बैंक होगा, मान लेते हैं मेरे पास बैंक 5,000 रुपये था, बैंक मान लिया 5,000 था, और ये मेरा जो डेटर था वो डेटर था मेरा 8,000 रुपये। ठीक है ना? और ये एडजस्टमेंट आपके सामने निकल के आया, तो एडजस्टमेंट निकल के आया बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग डिसऑनर्ड ₹2,000। क्या करना पड़ेगा, जब डिस्काउंटिंग हमने कराया है तो यानी सीधा बैंक पे इम्पेक्ट आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को करो माइनस डिसऑनर्ड के नाम से 2,000 से, और यहां पे आ जाएगा हमारा 3,000। इसका मतलब मेरा एसेट्स 2,000 से कम हो गया। वापस यहां पे ऐड करो, किसको ऐड करना है, यहां पे बिल्स रिसीवेबल या बिल डिसऑनर्ड के नाम से कितने का, 2,000 रुपए का, तो यानी मेरा यहां पे एसेट्स हो गया है, बढ़ गया है। तो आप ध्यान से देखोगे तो मेरे एसेट्स घटा भी है और मेरा एसेट्स बढ़ा भी है, वो भी सेम अमाउंट से। तो इसका मतलब मेरे एसेट्स पे इम्पैक्ट की अगर बात करूँ तो निल है, क्योंकि पहले देखो एसेट्स कितना था, अगर काउंट करो तो 8,000 और 5,000 13, और अभी भी कितने का एसेट्स से देखो 13 का। तो क्या इसका कोई संबंध, कोई रिलेशन आपको रिवेल्युएशन से लगता है? अगर फायदा होता तो इस साइड आ जाता, नुकसान होता है तो इस साइड आ जाता है, कि कोई यहाँ पे कोई आपको रिलेशन लगता है?
जवाब आपका आएगा नहीं सर, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आपका आए तो ऐसे सिचुएशन में आपको बैंक को माइनस करना चाहिए, लॉजिक बता दिया क्यों, और बाकी डेटर को क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को क्वेरी होगा तो डेफिनेटली आप जब मन करें आप पूछ सकते हैं। अब जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री में क्या हुआ, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक माइनस हो गया, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट, और डेटर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे देखो डेटर को हमने कर दिया प्लस। तो जर्नल एंट्री की अगर मेरे से बात पूछो तो मैं यहाँ जर्नल एंट्री करूंगा, जर्नल एंट्री करूंगा डेटर बढ़ गया और टू मेरा बैंक घट गया, और बीइंग में लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। कई बार डिस्काउंटिंग नहीं, अब पहले इस बात को समझ लीजिए, फिर मैं दूसरे पार्ट पे एक दो पार्ट कराऊंगा, बस ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा लेंथी है नहीं। समझ में आया आपको, एक बार फटाफट से इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट लेके चलता हूँ। जल्दी जल्दी नोट करिए आप इसको, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ आज। कर लिया नोट जल्दी जल्दी आपने, मैं इरेज करने जा रहा हूं आप। अब मैं एक और न्यू क्वेश्चन बना रहा हूं आप सभी बच्चों के डिमांड पे। आप सभी बच्चों का लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों का डाउट आया था, अब भी डाउट आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, ये डिस्काउंटिंग वर्ड को मैं बस हटाने जा रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। मैंने बोला बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, बस डिसऑनर्ड लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को एक बार यहां पे बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या था आपका, क्या सिचुएशन था, आप ध्यान देना, बताना जरूर आंसर आप। मैंने यहां लिखा बैंक, बैंक लिखा मैंने 1,000, या बैंक सपोज करो मैं लिखता हूं 5,000, और मैं लिख रहा हूं यहां पे BR, BR लिखा मैंने 7,000, ठीक है। BR मैंने क्या लिखा, 7,000। क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। पहले क्या था हमारा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट वर्ड था, जो कि डिस्काउंट वर्ड को मैंने क्या करा, काट दिया। इसका मतलब है, इसका मतलब समझो, पहले सबसे पहले देखो एक्स होगा, एक्स ने सामान बेचा था किसको, वाई को। वाई को सपोज करो एक्स कोई भी अमाउंट का सामान बेचा था, मान लेते हैं मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए 10,000 का। जब 10,000 का बेचा था तो वाई बोलता है कि भाई मैं तो 2,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद जब मैं दे दूंगा तो इसने लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 2,000 आफ्टर आफ्टर 2 मंथ, ये लिखा होगा इसने आफ्टर 2 मंथ, और इसे एक हमारा प्रोमिसरी नोट हो गया। अब जब एक्स अब 2 महीने बाद इसके पास जाएगा तो वाई की जिम्मेदारी बनती है कि इसको 2,000 रुपये लौटा देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वाई बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस केस में ये हो गया डिसऑनर्ड। अब आप कंपैरिजन करो, पिछले वाले केस में डिस्काउंटिंग, इसका मतलब था वो बैंक के पास गया था, और बैंक के पास जाने के बाद इसमें क्या था, पिछले वाले केस में वो गया था बैंक के पास और फिर डिसऑनर्ड हुआ था। इस केस के अंदर क्या ये एक्स बैंक के पास गया, नहीं गया, तो इसने क्या करा, एक्स ने अपने बैलेंस शीट के अंदर BR को टिल लास्ट डेट तक होल्ड करके रखा था। मींस टिल लास्ट डेट तक अगर होल्ड करके रखा था तो किस में जुड़ा हुआ होगा वो, BR में या बैंक में, बताओ। डिस्काउंट कराया तो बैंक में पैसा आ गया, तो मींस बैंक में जुड़ा हुआ है। जब हमने डिस्काउंट नहीं कराया तो मेरे पास ही BR है, यानी BR में जुड़ा हुआ है। अब बताओ जब डिसऑनर्ड हो गया तो इसका BR क्या होगा, कंपनी के BR पे फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। इस 2,000 7,000 में से 2,000 रुपए का ऐसा BR है जिसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो कंपनी क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, यहां पे लेस कर देगा डिसऑनर्ड।
कितने रुपए से? 2,000 रुपए से, और वापस ऐड कर देगा बी आर डिसऑनर्ड के नाम से 2,000 रुपए का। समझ में आया आपको? यहां पे आ जाएगा आंसर कितने का? 10,000 का, और यहां आंसर आ जाएगा हमारा आपका नेट में 5,000, और ये तो 5,000 है ही है। तो देखो, एक बार बी आर जब डिसऑनर्ड हुआ तो मैंने बैंक के ऊपर फर्क दिखाया था इम्पैक्ट, और दूसरी बार जब बी आर डिसऑनर्ड हुआ आपका तो मैंने बी आर पे ही दिखाया इम्पैक्ट। अब क्वेश्चन रेज होता है, सर अगर पहले से बी आर हो ही ना तो क्या करें? तो देखो, अगर हमने डिस्काउंट नहीं कराया है तो आपका बी आर आपके पास होगा हमेशा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका खो थोड़ी गया होगा बी आर, आपने कहीं फेंक थोड़ी दिया होगा, आपके पास ही होगा। तो मींस कहाँ होगा? वो बैलेंस शीट में। तो जिस बच्चे का ये क्वेरी आ रहा था उसका आंसर मैंने दे दिया है। अब बताइए, यहां से एसेट्स 2,000 का कम है, यहाँ प्लस है, क्या एसेट्स घटा या बढ़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे एसेट्स के ऊपर। तो क्या रिवेल्युएशन का कोई रोल होगा? यहाँ भी रिवेल्युएशन का रोल नहीं होने वाला। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री में मेरा बी आर कम हो जाएगा और डेटर बढ़ जाएगा। तो आंसर डेटर अकाउंट डेबिट और टू बिल रिसीवेबल। एक क्वेश्चन आया बच्चे का कि सर अगर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो तो हमें 8,000 रुपए पे लगाना चाहिए या पहले बी आर को डिसऑनर्ड हो जाए तो लगाना चाहिए? हमेशा याद रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा सबसे लास्ट में लगाया जाता है और डिस्काउंट फॉर प्रोविजन सबसे लास्ट में, उससे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लगाया जाएगा। उससे पहले जो बी आर वगैरह एड लेस है वो सब कर लेना है आपने। तो ये एडजस्टमेंट नंबर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड मैंने 2 बताया, तो इस पे ज्यादा पॉइंट्स नहीं आता, यही पॉइंट्स रहता है। लेकिन यही इम्पैक्ट मैं समझाऊंगा दोबारा, एक चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वहां पे थोड़ा सा सिनेरियो क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन आप इसको हमेशा याद रखोगे, ध्यान रखना है इसको। तो आप एक बार फटाफट नोट करिए। फिर अब हम एक कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे जैसे कि अनएक्सपायर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज के 5 एडजस्टमेंट है, 5th एडजस्टमेंट, क्योंकि मेरा टारगेट है आपके सारे एडजस्टमेंट के नोट्स बनवाने, ठीक है? तो आप फटाफट से एक बार नोट करिए, फिर नोट करने के बाद अब आगे चलते हैं हम। चलिए, मैं अब एडजस्टमेंट नंबर 5, ऐसा कोई हेडिंग नहीं डालूंगा लेकिन हाँ यहां पे लिखूंगा जरूर, और उसका इंटरप्रिटेशन आपने ही निकालना है। और बड़ा ही सिंपल सिंपल सा एडजस्टमेंट है, आप थोड़ा सा माइंड अगर लगाते हो उसके अंदर, समझने की कोशिश करते हो, तो आपको भी उसका आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि एडजस्टमेंट नंबर मैंने 5 लिखा है यहाँ पे, अनएक्सपायर्ड या इंश्योरेंस, जैसे सपोज करो मेरा बैलेंस शीट है 31/3/2019 का, मेरा जो बैलेंस शीट बनना है 31 मार्च 2019 का बनना है, डेटेड है, और मेरे पास यहाँ पे सपोज करते हैं डेटर है, मेरे पास 5,000, और मेरे पास बस डेटर गीवन है और कुछ भी गीवन नहीं है। मैंने बताया इंश्योरेंस ₹2,000 आउट ऑफ विच अनएक्सपायर्ड, या फिर बोल दूं रिलेट रिलेट टू टू 31/3/2021। इसका मतलब क्या है, मैं आपको टाइमलाइन पे लेके समझाता हूं। इसका मतलब है कि जो इंश्योरेंस यहां पे 2,000 रुपए का दिया जा रहा है, आउट ऑफ विच हाफ 2,000 का है, इसमें से जो 2,000 का इंश्योरेंस है इसमें से आधा तो इसी साल का खर्चा है 2019 का, बाकी का जो आधा बचा वो खर्चा है 2021 का। यानी मैं अगर अकाउंटिंग करता हूं 2019 का, तो सिंपल वर्ड में बोलूंगा
कि ये खर्चा जो 2019 में हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो एक तरीके से ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब बताइए ये एडजस्टमेंट है, इसमें से आपका एसेट्स पूरे 2000 मानू या फिर जितना पार्ट प्रीपेड है उतना मानेंगे? तो जवाब है सर, प्रीपेड तो 1000 ही है, क्योंकि 1000 तो इसी साल का है। तो अब पहले हमारा पुराना बैलेंस शीट था, नया बैलेंस शीट जैसे ही बनाया तो मुझे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, और 1000 रुपये। अब बताइए एसेट्स पे कोई फायदा हुआ क्या? अब आपका आंसर होगा एसेट्स पे फायदा हुआ है, तो रिवेल्यूएशन के किस साइड जाएगा? बाय साइड प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री देखो बाय में है ना, तो एंट्री होगा प्रीपेड इंश्योरेंस टू रीवैल्यूएशन, और बीइंग में लिख दोगे एडजस्टेड एंट्री पास। क्लियर? टू रीवैल्यूएशन। और किस किस तरीके से एडजस्टमेंट हो सकता है आप? तो अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। जैसे एडजस्टमेंट नंबर हमारा वो 4 था, आप इसको चाहे तो 5 कर लें या लाइबिलिटी का 1 2 3 कर लें। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले लाइबिलिटी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो बिजनेस के लिए एक लॉस है जो कि रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा। रीवैल्यूएशन के कहाँ आएगा? हमारा डेबिट साइड। और अगर लाइबिलिटी किसी भी रीजन से हमारा कम हो जाता है तो वो बिजनेस के लिए फायदे की बात है, जिसको हम रिवेल्यूएशन के बाय साइड लिखेंगे। इतना सा सिंपल सी बात आपको समझना है। तो मैं पहले क्रेडिटर पे कुछ एक पॉइंट्स जो बन सकते हैं उसके नोट्स आपको बनवा दूं और वो समझा दूं। जैसे कि पहले ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्ट करने से पहले आपका यहाँ पे एक सामने देखिए कुछ मैंने स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने? क्रेडिटर ₹1000, 1000 का जो क्रेडिटर है, लाइकली टू नॉट अराइज या रिटर्न बैक। इसका मतलब है लाइकली टू नॉट अराइज या रिटर्न बैक का मतलब वो क्रेडिटर को हमें ₹1000 नहीं देने, अब इसका मतलब ये है उसको देना नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि मुझे क्रेडिटर को ₹1000 नहीं देना है। तो जो मेरा क्रेडिटर 20,000 का है, तो मैं यहाँ लेस माइनस कर दूंगा, डिस्काउंट के नाम से माइनस कर देता हूं, या फिर मैं कर देता हूं नॉट क्लेम, यानी उसने हमसे मांगा ही नहीं, माइनस कर देते हैं नॉट क्लेम्स, है ना? कितने रुपए? ₹1000। नाउ फाइनली मेरे बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी है, पहले 20,000 का हुआ करता था, नाउ इट इज 19,000। तो अगर ये ₹19,000 का हमारा लाइबिलिटी है, तो बताओ हमारे बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आपका आंसर आएगा सर लाइबिलिटी डिक्रीज, यानी बेनिफिट। तो मैं बाय साइड में यहां लिखूंगा रिवेल्यूशन के क्रेडिटर, है ना, क्रेडिटर। अब जर्नल एंट्री, अब फटाफट से सोचो एक बार क्या हो सकता है, क्योंकि क्रेडिटर मैंने बाय साइड में लिखा है, तो जर्नल एंट्री क्या हो सकता है? यहाँ पे एंट्री होगा हमारा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, इसके दो जगह एंट्री लेके जाएंगे हम, एक होगा ये डेबिट में और एक होगा क्रेडिट में, ठीक है ना? इस सिचुएशन में हमारा क्रेडिटर क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि क्रेडिट वाले आइटम को अगर माइनस करेंगे तो डेबिट होगा, तो होना चाहिए हमारा डेबिट क्रेडिटर। और क्रेडिट क्या होगा हमारा? फायदा है, तो रीवैल्यूएशन। जर्नल एंट्री क्या हो गया बताओ, बताओ मुझे आप? तो जर्नल एंट्री हो गया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन। अब बताओ इसके अंदर अमाउंट क्या आएगा? आंसर ₹1000। बीइंग आपको पता है, बीइंग क्या लिखना चाहिए हमें? क्रेडिटर 1000 लाइकली नॉट टू बी अराइज या रिटर्न बैक, जो भी स्टेटमेंट में है वो लिखना है आपने, ठीक है? तो एडजस्टमेंट नंबर क्रेडिटर पे फर्स्ट है, इसको नोट करिए, फिर मैं दूसरा करवाता हूँ अभी मैं आपको, फटाफट से नोट करिए इसको।
कर लिया नोट। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे, आपको क्रेडिटर पे ही बताते हैं, पूरा मिटा देता हूँ। चलिए एक एडजस्टमेंट लिखा मैंने, ये सेकंड है इसका, ठीक है। मैंने लिखा क्रेडिटर क्रेडिटर ₹1,000 विल बी पेड मोर। इसका सेंटेंस का मतलब है कि जो हमारा क्रेडिटर है, जिसको हमें पैसे देना है, उसको ₹1,000 मुझे और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। विल बी पेड 1,000 मोर। तो सिंपल सा वर्ड है, जो भी मेरा क्रेडिटर था उसको हमें ₹1,000 और एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। सिंपल सा मीनिंग है। तो अब बताइए क्या करेंगे एडजस्टमेंट के हिसाब से, सोचिए। सर क्रेडिटर में ऐड होगा पेड मोर 1,000। दूसरा नुकसान या फायदा अभी बताना। देखो लाइबिलिटी हमारा एक किसका हो गया, तो सर ये हो गया नुकसान। तो रीजन यहां पे, यहां आएगा क्रेडिटर कितने रुपए से, ₹1,000 से, है ना। इसको मिटा देते हैं। अब दो एंट्री बताइए इसकी, फटाफट से कहां जाएगा, एक डेबिट में गया और एक क्रेडिट में गया। डेबिट क्या हुआ, डेबिट हुआ रीवैल्यूएशन। क्रेडिट क्योंकि बढ़ गया लाइबिलिटी, तो डेबिट हुआ हमारा रीवैल्यूएशन एंड क्रेडिट हुआ हमारा क्रेडिटर। आंसर जर्नल एंट्री का क्या करोगे बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ गया कितने रुपए से, बढ़ गया भाई ₹1,000 का। समझ में आ रहा है ना आपको, इसको नोट करके फिर दोबारा आपने रिवीजन भी करना है, इसने समझना है इसने। ऐसा नहीं कि नोट कर लिया और सब हो गया, स्क्रीनशॉट लेने से भी काम नहीं बनेगी, नोट करके आपने रिवीजन करना है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और सोते सोते देख रहे हैं, मजा नहीं आएगा। अब कुछ दिनों बाद फिर मैं कुछ ना कुछ करूंगा आपका, कुछ ना कुछ करूंगा मतलब कोई ना कोई मैं टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें देखते हैं कितने बच्चे हमारे 100% नंबर लेके आते हैं, 100% नंबर लाते हैं, ठीक है। उसको हम प्राइज देंगे, ठीक है। तो ये नोट करिए, सेकंड पार्ट क्रेडिटर का नोट करिए फटाफट से। बस लाइबिलिटी साइड में वैसे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, एक क्रेडिटर है, एक दो और मैं बता देता हूं। कर लिया नोट, चलिए। हाँ जी सर कर लिया नोट। एक और एडजस्टमेंट देखिए, मैं तो देखो जितने मुश्किल मुश्किल हो सकते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूँ, बुक में भी ना लिखा हो उससे भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मुंशीगिरी यानी आपको मैं सिखाने बैठा हूँ अकाउंटिंग। मैं सिलेबस तो है ही है, सिलेबस के साथ साथ मेरा मेन पर्पस है आपको अच्छे से सिखाना। सिलेबस कराने का होता तो मैं बहुत जल्दी करा देता, ये नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। चलिए आप पॉइंट नंबर थर्ड, क्रेडिटर ₹2,000 एक्सेप्टेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। एक नया एडजस्टमेंट, बस लास्ट, ज्यादा टेंशन मत लो। जो मेरा क्रेडिटर ₹20,000 का है, पहले कहता है इसमें से ₹2,000 के क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपको याद होगा कि जब एक्स जो है वाई को सामान बेचता है, तो वाई जो है इसको बीपी देता है ना, याद होगा ना। अगर वाई ने इसको गारंटी दे दिया तो बोलेगा ये मेरा बीपी है, अगर गारंटी नहीं दिया तो ये बोलेगा ये मेरा क्रेडिटर है। सिर्फ डेटर के जैसा था और बीआर वैसा ही रिलेशन है। तो इसका मतलब अब जो ₹20,000 का इसका सामान बेचा है, मैं इसी पे एग्जांपल लेता हूं, तो पहले तो वाई बोल रहा था कि मुझे आपको ₹20,000 देने हैं,
तो आप मेरे 20,000 के क्रेडिटर हो। लेकिन वाई ने क्या करा, 2,000 रुपए का एक लिखित में प्रॉमिसरी नोट दे दिया। तो इसका मतलब वाई बोलेगा, भाई साहब एक्स आपको 18,000 दूंगा और 2,000 जो मैंने बोला है, अगले महीने जो वादा किया है उसके हिसाब से दूंगा। तो इसका मतलब भाई साहब आपको 18,000 रुपये मैं वादा नहीं किया है कि कब दूंगा, और 2,000 रुपये मैंने वादा किया है। तो इसको बोलेंगे हम बीपी और इसको बोलेंगे हम क्रेडिटर। तो यहां पे क्या होगा रिजल्ट में, देखो रिजल्ट में ये रहेगा, ये पुराना है कहीं नोट मत कर लेना, रिजल्ट में क्या रहेगा, तो पहले क्रेडिटर माइनस हो जाएगा, है ना, क्रेडिटर यहां भी माइनस हो गया ना दो टुकड़े में, तो क्रेडिटर माइनस होगा तो यहां हो जाएगा एक्सेप्ट बिल्स पेबल 2,000 का। तो ये लो जी क्रेडिटर हो गया हमारा 18 का। दूसरी साइड मेरा बढ़ जाएगा एक और लाइबिलिटी जिसका नाम है बिल्स पेबल 2,000 का। तो बताइए, पहले टोटल लाइबिलिटी 20 का था, अब भी टोटल लाइबिलिटी 20 का है, कि क्या मेरे लाइबिलिटी पे फर्क पड़ा? तो अगर फर्क ही नहीं पड़ा मेरे लाइबिलिटी के या एसेट्स के ऊपर, तो क्या रिवेल्यूएशन से उसका कोई ताल्लुकात है? आपका जवाब आएगा, नहीं सर, उसका रिवेल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। तो सर जर्नल एंट्री कैसे करें? सिंपल, क्रेडिटर को कम करो, जब लाइबिलिटी कम होगा तो दो जगह एंट्री करेंगे ना इसकी, इसे मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है? दो जगह जा रहा है, देखो एक हो रहा है डेबिट, डेबिट क्या हो रहा है हमारा, और क्रेडिट क्या हो रहा था, देखो डेबिट लाइबिलिटी कम हो रहा है तो यानी क्रेडिटर डेबिट हो रहा है। लॉजिकली, बिल्कुल लॉजिकली देखना है, देखो बाद में तो हम स्पीडली करेंगे। और क्रेडिट क्या हो रहा है, एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है यानी बिल्स पेबल। जर्नल एंट्री बनाओ, तो आंसर आएगा आपका सर क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, और ये आ जाएगा हमारा 2,000, ठीक है? ये आ गया हमारा 2,000 रुपए। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए कोई दिक्कत है तो। नहीं है ना, फिर एक बार रिपीट कर दूं? हाँ सर एक बार और रिपीट कर दो। देखो मेरे पास जो क्रेडिटर था 20,000 रुपए का, उस क्रेडिटर ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, यानी जो क्रेडिटर 20 का था वो 20 का नहीं रहा, जितने का बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया उससे माइनस कर देते हैं। तो 20,000 में से 2 का किया तो हमारा क्रेडिटर बच गया 18 का, बिल्स पेबल हो गया 2 का। अल्टीमेटली मेरे लाइबिलिटी पे कोई इम्पेक्ट नहीं आया, लेकिन मेरा क्रेडिटर कम हुआ या नहीं, आप ईमानदारी से बताओ। सर क्रेडिटर कम हुआ, इसलिए हमने क्रेडिटर को डेबिट किया है। क्या एक लाइबिलिटी नई आ गई या नहीं आ गई? सर बिल्कुल आ गई, तो इसे क्रेडिट कर दिया। तो इसलिए हमें यहाँ रिवेल्यूशन में इसको नहीं दिखाना। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्रेडिटर कम हो गया तो फायदा इधर दिखा दो, ये बढ़ गया तो इधर दिखा दो। तो फायदा नहीं हुआ ना कोई, मतलब कि वो तो निल हो गया, रिवेल्यूशन से रिवेल्यूशन कट जाएगा, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास जर्नल एंट्री यही रिसीव होगा। आप करके देख लेना वो चीज ना, एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो। लो जी क्रेडिटर का मैंने पार्ट कर दिया आपका, खत्म, इसको नोट करिए। इसके बाद हम कौन सा करें, आउटस्टैंडिंग बिल का। चलिए एक आउटस्टैंडिंग बिल का है, कर लिया नोट? हाँ सर नोट कर लिया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास क्रेडिटर मैंने लिखा नहीं था और वो क्रेडिटर मुझे मिल गया और मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, आप जवाब दीजिए मुझे। मैंने बोला एक क्रेडिटर मैंने लिखा नहीं था, वन क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट नाउ पे, या फिर नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब हमने प्रॉमिस कर लिया कि अब हम आपको रिकॉर्ड करेंगे, तो मेरा क्रेडिटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे मेरा फर्क कहाँ पे आएगा, रिवेल्यूएशन के डेबिट में। एंट्री क्या बन जाएगा, रिवेल्यूएशन टू क्रेडिटर। इसे अगर नहीं समझ में आया तो एक बार लिख लेना थोड़े से आराम से स्लो में चला के, ठीक है? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, ये बात तो आपकी एकदम ठीक है। चलिए क्रेडिटर की बात कर दी आपने यहां पे बात कर दी क्रेडिटर के साथ, आगे देखें हम, ठीक है सर क्रेडिटर तो हो गया। अब मैं एक बताता हूं, न्यू एडजस्टमेंट, जैसे मैंने बोला आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर रुपीज 5,000,
नाउ फाउंडेड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, हमने क्या करा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को बैलेंस शीट बोलो, रिवॉल्यूशन बोलो, कोई भी अकाउंटिंग बोलोगे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बोला जाएगा। अब बताइए हुआ क्या, एक आउटस्टैंडिंग बिल मिला, एक आउटस्टैंडिंग बिल मिला रिपेयर के लिए था। अब यहां पे आउटस्टैंडिंग बिल नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई कोर्ट से केस था, डिस्प्यूटेड था, कंटिजेंट लाइबिलिटी मिला, इस तरीके से हो सकता है। 5,000 रुपए का मिला हमारा, नाउ फाउंडेड, अब मिला है मुझे और रिकॉर्ड करना है बुक्स में। यानी क्या, पहले आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर का मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो अब मिला है तो अब रिकॉर्ड करो आप आउटस्टैंडिंग रिपेयर। और ये रिकॉर्ड कर लिया मैंने कितने का, 5,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रिपेयर। अब बताओ, मेरा पहले तो 20 का ही लाइबिलिटी था, 25 का बढ़ गया ना, तो नुकसान हुआ, तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा रिपेयर। और ये लिखा मैंने कितने का, 5,000 का। अब इसकी एंट्री क्या करें, एंट्री करेंगे एक डेबिट करना चाहिए और एक क्रेडिट, एडजस्टमेंट की दो एंट्री। तो यहां पे देखा जाए तो लाइबिलिटी बढ़ा है और मेरा नुकसान हुआ है, तो नुकसान डेबिट होगा जो कि रिवैल्यूएशन है, और लाइबिलिटी बढ़ा है क्रेडिट होगा जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रिपेयर। जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, है ना, और अमाउंट 2,000 रुपये, 5,000 रुपये से। बीइंग तो आपको पता ही क्या लिखना है, बीइंग लिखना है हमारा आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। चलिए इसको नोट करिए, एडजस्टमेंट नंबर टू था आपका। एक तो एडजस्टमेंट और है, उसको करके खत्म करते हैं इसको। और कुछ एक वर्कमैन कंपनसेशन पे है, उसके लिए अलग से क्लास लेंगे पूरा हम। करिए रिकॉर्ड, जल्दी जल्दी नोट करिए, ठीक है? चलिए कर लिया नोट, चलो इसे भी हटा देते हैं आपके लिए, आपको भी पूरे नोट करने हैं। और एक एडजस्टमेंट करते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट करें, चलो देखता हूं आपके लिए कोई एडजस्टमेंट। चलो एक, जैसे कि सेंटेंस लिखा है आपका, सेंटेंस में देखा जाए तो देयर आर वन बिल, देयर आर वन बिल अगेंस्ट डैमेज, या फिर मैं पूरा ही लिख देता हूं आपके लिए, एडजस्टमेंट है, देयर वॉज अ क्लेम, अ क्लेम्स, इस तरीके के एडजस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट, द फर्म 4 damage, 4 damage, damages, 2 rupees 2,500, now accepted। देखो बड़ा ही सिंपल है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो जवाब भी आपको मिल जाएगा।
मैंने कहा कि एक बिल, एक कोई भी क्लेम था। क्लेम का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो एक फर्म है, अब मान लेते हैं ए बी फर्म है और ए बी फर्म ने मान लेते हैं कोई ऐसा काम किया। सपोज करो ये आपको जो ये फर्म है, जो बिजनेसमैन है, ये एक आपको पैकेट देता है, पैकेट इन द सेंस आपको एक बैग देता है, या फिर कोई भी आप यहाँ से सामान खरीदते हो तो सामान खरीदते टाइम पे जो आप बैग लेके आते हो या जिसे थैला बोलते हो वो देता है, ये आपको ये एक बैग देता है। और ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। बैग दिया इसने, बैग देने के बाद बैग के ऊपर लिखा है ए बी फॉर्म, ठीक है, ए बी फॉर्म लिखा है इस बैग के ऊपर। और हुआ क्या, इसने इस बैग के बदले, कंपनी फॉर्म ने क्या करा, एक कस्टमर था मिस्टर राम, मिस्टर राम से इस बिजनेस ने बोला भाई हम आपको बैग में सामान डाल के दे रहे हैं तो इस बैग के भी आपको पैसा देना होगा, है कि नहीं, देना होगा। राम ने बोला कि भाई इस बैग का पैसा मैं क्यों दूंगा, आप सामान दे रहे हो तो फ्री में होना चाहिए। तो कई बार आप जैसे रिलायंस जाओगे, बिग बाजार जाओगे, तो वहां पे बैग के अलग से पैसे लगते हैं, आपको पता होगा। इसने बोला नहीं, आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपीज। और जो बाय इत्तफाक से मिस्टर राम था लॉयर, इसने क्या करा, इस कंपनी पे केस कर दिया। केस क्या करा कि जो ये कंपनी है अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, लेकिन इस एडवर्टीजमेंट बैग के ऊपर हमसे 20 रुपए चार्ज करता है, जो कि इसे नहीं करना चाहिए। अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वो फ्री में देना चाहिए। तो फिर आया कोर्ट का डिसीजन कि बिल्कुल राम जो लॉयर है ये बिल्कुल ठीक कहता है, ए बी फर्म आपने ये गलती करी है, आप इससे पैसे चार्ज नहीं कर सकते, आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 2500 रुपए का, फाइन भरिए, आगे से ऐसी गलती ना करें। हाँ, इस बैग के ऊपर अगर आपका नाम नहीं लिखा हुआ है तब आप इससे 20 रुपए चार्ज करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाम लिख लेते हैं इस मीन्स आप अपने फर्म का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर इस राम की वजह से कंपनी के ऊपर एक क्लेम हो गया है और उस क्लेम को अब कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, फर्म को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। अब यहां पे डैमेजेस सेंटेंस थोड़ा सा लगे, डैमेज मतलब फर्म ने कुछ नुकसान कर दिया हो राम का, वो हो सकता है, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो यहां पे फर्म के ऊपर किसी ने क्लेम किया ना, फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया है और फर्म को 2500 पेड करने पड़ेंगे। क्या पहले ऐसा कोई हमारा क्लेम यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटी में? नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके वजह से मुझे एक क्लेम लिखना पड़ेगा, क्लेम फॉर डैमेज, और ये 2500 रुपये लिखेंगे, है ना। अब ये बताओ क्या हुआ, ये नुकसान हुआ क्लेम, और इस क्लेम को लिखा मैंने 2500 रुपये। तो दो जगह एंट्री गई इसकी बेसिकली, मैं इसको हटा रहा हूं, दो जगह एंट्री कहाँ गई आपकी, एक गया हमारा इधर डेबिट में और एक हमारा लाइबिलिटी हो गया। तो इसकी जनरल एंट्री कर रहा हूं, दो जगह एंट्री पूछो, डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो डेबिट क्या हुआ हमारा, रिवेल्युएशन, और क्रेडिट क्या हुआ हमारा, क्लेम फॉर डैमेजेस। जनरल एंट्री बनेगा हमारा रिवेल्युएशन टू क्लेम फॉर डैमेजेस, बीइंग में 2500 लिख देंगे। इस तरीके के लाइबिलिटी को एक और नाम से जानते हैं हम, जो कि थोड़ा सा आपने बहुत कम ही सुनते हो, आप बुक में बहुत कम देखते हो, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी सेम इसी तरीके से होता है कि कोई कोर्ट केस कर दिया, उसके हम पैसे देना भी पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में कहाँ आता है, तो इसका जवाब है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के फुट नोट में आता है, बैलेंस शीट के अंदर कहीं भी नहीं आता। क्या
क्या अगर ये क्लेम हो जाता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक्सेप्टेड हो जाता है, तो बिजनेस के लिए क्या है? तो बिजनेस के लिए क्या है? ये लॉस है जो कि हम रिवेल्यूशन के डेबिट में दिखाएंगे। लेकिन अगर क्लेम एक्सेप्टेड होता ही नहीं, तो ना ही बिजनेस के लिए लॉस है और ना ही बिजनेस के लिए फायदे की बात है। जैसे मेरे इस एग्जाम्पल के अंदर मान लो राम ने केस किया था और कोर्ट बोलता भाई ऐसे केस वेस लेके मत आए करो, उसे भगा देता सपोज करो, तो 2500 जो इसको देने थे, क्या अब उसको केस के पैसे जीत गया ये, तो क्या इसे 2500 देने? नहीं देने। तो क्या बिजनेस को फायदा है? आपको लगेगा कि बिजनेस को फायदा है, लेकिन बिजनेस का फायदा नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही बोल रहा था मुझे नहीं देने हैं, पता है भाई, और कोर्ट ने बोला तुम्हें नहीं देने हैं, तो क्या ये फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर क्लेम हो जाता है और उसे पेमेंट करना पड़ेगा तो नुकसान है, लेकिन कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर क्लेम नहीं होता, नॉट एक्सेप्टेड बाय, और कोर्ट ने उसे बोला कि आपको पेमेंट नहीं करना, तो वो ना ही फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखो, लगभग लगभग मैंने लाइबिलिटी साइड में अगर देखा जाए तो कुछ एक पॉइंट, जैसे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इस पे एक अलग क्लास है, अगली क्लास आएगी, और इसके बाद आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस पे एक अलग क्लास आ जाएगी। तो अगली क्लास में जब आप बैठोगे तो पूरा रिवीजन करके बैठना है, पूरा फॉर्मेट रिवीजन होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, और सारे एडजस्टमेंट रिवाइज करके बैठना, ठीक है? तो आज के लिए मैंने इतना ही करवाना है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और मेनली पहले ये दोनों पार्ट, उसके बाद हमारे चैप्टर के बहुत सारे पोर्शन खत्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।